रायपुर के एकात्म परिषद में बीजेपी के द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साह ने बोले, 3 दिसंबर को बन रही भाजपा सरकार नतीजे से पहले सरकार का काम तय, कांग्रेस रूपी ग्रहण से मुक्त होगा छत्तीसगढ़। मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। चुनावी आपाधापी के बाद आज हम सब मिले हैं, सभी को नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो गया है, मतदान हो गया है। जनता का मत ईवीएम में कैद है। जनता ने बड़े उत्साह से मतदान में हिस्सा लिया है। प्रदेश के सभी मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मतदान में हिस्सा लिया। विशेषकर भारी मात्रा में महिलाओं ने, किसानों ने, युवाओं ने मतदान में हिस्सा लिया और सबने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। 3 दिसंबर जब मतगणना होगी, राज्य की जनता को कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। 3 दिसंबर को नया सवेरा होने वाला है, कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर छत्तीसगढ़ सुशासन और विकास की ओर आगे बढ़ने वाला है। दिसंबर का महीना छत्तीसगढ़ के दृष्टि से महत्वपूर्ण होकर छत्तीसगढ़ के लोगों के सपनों को साकार करने की दिशा में मजबूत और सशक्त कदम उठाने की दिशा में अग्रसर होने वाला है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है 3 दिसंबर को, जनता को कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलने वाली है। 5 साल से जो विकास अवरुद्ध हुआ है वो दौर समाप्त होने वाला है 3 दिसंबर को, और 3 दिसंबर नए विश्वास के साथ, उमंग के साथ छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। जनता ने उत्साहपूर्वक मतदान में हिस्सा लेकर कांग्रेस के प्रोपोगेंडा और झूठे प्रचार को करारा जवाब दिया है। कमल का बटन दबाकर कांग्रेस से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को आने वाला है। हर प्रकार के हथकंडे कांग्रेस ने अपनाए पर जनता ने उसका करारा जवाब दिया है। सारे झूठ और प्रोपोगेंडा को जनता ने नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला दिया है, और इसलिए छत्तीसगढ़ के सभी मतदाता भाइयों और बहनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मीडिया ने भी जनता की आवाज बनकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मजबूती से इस चुनाव में काम किया है। हथकंडे अपनाए लेकिन जनता की आवाज बनकर चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया ने भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है, और जनता के बीच वास्तविक मुद्दों की चर्चा उन्होंने की, और निश्चित रूप से उसका परिणाम 3 दिसंबर को मिलेगा जब छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। जिस प्रकार से
माताओं बहनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पांच सालों में माताओं बहनों को जो ठगने और धोखा देने का काम किया, माताओं बहनों के साथ अत्याचार की लगातार घटनाएं हुई, और वही नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के रूप में महतारी वंदन योजना जो प्रारंभ हुई, महिलाओं में जो उत्साह, जो उमंग मतदान के दौरान दिखा, निश्चित रूप से माताओं बहनों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 3 दिसंबर के बाद माताओं बहनों के खाते में मोदी की गारंटी 1,000 रुपये प्रति महीना मिलने की शुरुआत हो जाएगी। नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम हुआ, पीएससी का घोटाला हुआ, दिसंबर का महीना प्रदेश के नौजवानों को न्याय दिलाने का होगा जब पीएससी घोटाले की जांच होगी और जांच कर दोषियों पर कार्यवाही का निर्णय होगा। दिसंबर का महीना जैसे मोदी जी की गारंटी है कि 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देंगे, उसका मार्ग प्रशस्त होगा जब सरकार का पहला कैबिनेट इस विषय में निर्णय करेगा और 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देने का मार्ग प्रशस्त होगा। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत मिलेगी, 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी और 25 दिसंबर की तारीख तय की है हमने। 2 साल पुराना बोनस जिसे कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया, वो 25 दिसंबर को हम किसानों को 2 साल पुराना बोनस का भुगतान करेंगे। जितने भी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी भाजपा के संकल्प पत्र के रूप में प्रस्तुत हुआ है, उसे देने की शुरुआत दिसंबर महीने में होगी। दिसंबर महीना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक नया सवेरा लाएगा, छत्तीसगढ़ के लोगों के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। जब 3 दिसंबर छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, प्रशासन के सब प्रकार के दबाव के बावजूद, झूठे मामले मुकदमे के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जैसे संकल्प के साथ निकला था कि न डरेंगे न झुकेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे, पूरी ताकत से लड़ाई लड़े और अंजाम तक उन्होंने पहुंचाया है। और निश्चित रूप से हमारे लाखों लाख कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत, जनता के आशीर्वाद के बदौलत 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। जनता का फैसला ईवीएम में कैद है। पूरे प्रदेश भर में लगातार प्रवास के दौरान जनता से मिलने का, संवाद करने का अवसर मिला। स्पष्ट रूप से यह दिख रहा था कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन की हवा चल रही है, जनता परिवर्तन के मूड में है और हर वर्ग कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर उससे मुक्ति का मार्ग तलाश रहा है। उनकी तलाश पूरी होने वाली है 3 दिसंबर को। अपना मत जनता ने ईवीएम में कैद किया है, जनता का मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, ये हमें पूरा भरोसा है और निश्चित रूप से 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। छत्तीसगढ़ एक बार फिर सुशासन और विकास की ओर आगे बढ़ेगा, जनता की आकांक्षाओं को हम पूरा करेंगे, मोदी की गारंटी को पूरा करने का दिसंबर का महीना होने वाला है। निश्चित रूप से एक बार फिर प्रदेश के सभी मतदाताओं को, मीडिया के साथियों को, पार्टी के हमारे लाखों लाख कार्यकर्ताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ।